सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के किशनगंज जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किशनगंज जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक किशनगंज जिला के नाम से जाना जाता है। किशनगंज जिला बिहार के पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से किशनगंज जिला के उत्तर की सीमा नेपाल देश से और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर किशनगंज शहर में मौजूद है और किशनगंज जिला पूर्णिया डिवीजन के अंतर्गत आता है। किशनगंज जिला पहले पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में किशनगंज को पूर्णिया जिला से अलग करके किशनगंज को एक नया जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 14 जनवरी साल 1990 में पूर्णिया जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। इससे पहले किशनगंज पूर्णिया जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुमंडल हुआ करता था। किशनगंज जिला के पड़ोसी जिला का नाम अररिया जिला, पूर्णिया जिला, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और उत्तरी दिनाजपुर जिला है, जिस वजह से किशनगंज जिला के उत्तर भाग की ओर पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और नेपाल देश पूर्व भाग की ओर पश्चिम बंगाल का उत्तरी दिनाजपुर जिला, दक्षिण से पश्चिम भाग की ओर बिहार का पूर्णिया जिला, पश्चिम भाग की ओर बिहार का अररिया जिला से घिरा हुआ है। किशनगंज जिला के मुख्य नदी का नाम महानंदा नदी, डोंक नदी, मेची नदी, कनकई नदी, रतवा नदी और रमजान सुधानी नदी है। महानंदा नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 390 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1391 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किशनगंज जिला में एक अनुमंडल, 7 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 2 न्यायालय, 2 अस्पताल, 89 डाकघर, 20 पुलिस स्टेशन, 3 नगरपालिका, 1 नगर निगम, 126 ग्राम पंचायतें और 771 गांवों में बंटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किशनगंज जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 338,500 के करीब है। आबादी की बात करें तो किशनगंज जिला की कुल आबादी 16,90,500 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 8,67,000 है और महिला की आबादी 8,23,500 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 950 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 950 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 5,30,000 है, लगभग 31% के करीब, और मुस्लिम धर्म की आबादी 11,50,000 है, लगभग 68% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से किशनगंज जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किशनगंज जिला में मारवाड़ी कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, नेहरू कॉलेज और आरके साहा महिला कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 55% के करीब है। किशनगंज जिला के 16,90,000 की आबादी में 9,38,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 5,53,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 63% के करीब, और महिला 3,85,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 47% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो किशनगंज जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 5,29,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 5,29,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहां के आबादी के अनुसार लगभग 31.5% के करीब है। वैसे किशनगंज जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं,
मक्का और जूट यहाँ के मुख्य फसल है। किशनगंज जिला में जूट के कारखाने के अलावा कई और छोटे बड़े व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो बिहार का किशनगंज जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। इस जिले के टूरिस्ट स्थलों में शुमार खगरा मेला, नेहरू शांति पार्क, शहीद असफुल्ला खान स्टेडियम, हरगौरी मंदिर, महानंदा नदी और इस जिला के कदम रसूल मजार शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। इसके अलावा किशनगंज जिला से कुछ ही दूरी पर पानी घाट, दार्जिलिंग और गंगटोक जैसे टूरिस्ट स्थल स्थित हैं। किशनगंज जिला सड़क और रेल के माध्यम से बिहार के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 31 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। किशनगंज जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम किशनगंज रेलवे स्टेशन और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन है, जो बरौनी गुवाहाटी लाइन पर और कटिहार सिलीगुड़ी लाइन पर स्थित है। ये दोनों स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के कटिहार रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, किशनगंज जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।